अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इस बेल पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे रोज़ केक, जिसके लिए मैंने यहाँ पे रशियन नोज़ल रोज़ टिप यूज़ की है। यहाँ मैंने ये चॉकलेट स्पॉन्ज केक लिया है जिसको मैंने लेयर्स में कट कर लिया है। इसको हम शुगर सिरप के साथ मॉइस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम के लेयर लगाते हुए इसकी क्रम कोटिंग कर लेंगे। ये क्रम कोटिंग हमने कर ली है। अब हम एक टूथपिक लेंगे और केक पे जिस जगह हमें रोजेस बनाने हैं वहाँ पे हम एक रफली स्केच ड्रॉ करेंगे। ऐसा करने से हमें काफ़ी आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पे हमें रोजेस बनाने हैं, ये कुछ इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे ये रोज टिप ली है। मैं यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम का यूज़ कर रही हूँ और क्रीम में मैंने रेड जेल कलर मिलाया है, और इस तरह से हम रोजेस बनाएंगे। रशियन नोजल को यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है और इससे डिज़ाइन बहुत अच्छा बनता है। अगर आपको लगता है कि जो रोजेज आप बना रहे हैं वो क्लियर नहीं बन रहे हैं तो नोजल को आप बीच बीच में टिश्यू पेपर से क्लीन कर लें और उसके बाद आप रोजेज बनाएं तो रोज एकदम परफेक्ट बनेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने डिजाइन बना लिया है। अब हम लेंगे ग्रीन कलर और इससे मैं छोटी छोटी सी लीव्स बनाऊंगी। यहाँ मैंने व्हिपिंग क्रीम ही यूज़ की है, और क्रीम को घर पे किस तरह से व्हिप कर सकते हैं उसकी रेसिपी भी आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगी। जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा भी स्पेस है वहाँ पे इस तरह से आप लीव्स बना दें और केक को पूरी तरह से भर दें। अब हम इसको बॉर्डर देंगे। बॉर्डर देने के लिए भी मैंने यहाँ पे रशियन नोजल ही यूज़ किया है, जिसमें मैं यहाँ पे फ्रिल बनाऊंगी। कि कुछ इस तरह से। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी सिल्वर बॉल्स, इससे केक देखने में बहुत अच्छा लगने लगेगा। और थोड़े से रेनबो बॉल्स डाल देते हैं। रोज़ केक बनके तैयार है, जिसको बनाने के लिए हमने रशियन नोज़ल यूज़ किया है और केक देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरह से दूसरा केक हम बनाएंगे रशियन नोज़ल को यूज़ करते हुए, फ्लावर बुके केक। इसमें मैंने बहुत अलग अलग तरह के रशियन नोज़ल यूज़ किए हैं और ये केक बनाया है, तो चलिए देखते हैं ये केक आप किस तरह से बना सकते हैं। फिर से हम यहाँ पे चॉकलेट स्पंज लेंगे और इसको हम ट्रिम कर लेते हैं। केक का पोर्शन कई बार ऊपर से हार्ड हो जाता है तो उसे हमें ट्रिम करना है, ये कुछ इस तरह से। और अब हम इसको तीन लेयर में डिवाइड कर लेते हैं। चॉकलेट केक की बहुत सारी रेसिपीज आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएंगी। केक बोर्ड लेंगे जिसके ऊपर हम थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे जिससे केक नीचे से चिपकेगा नहीं। शुगर सिरप से मॉइस्ट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ ऑरेंज जूस ले सकते हैं या स्ट्रॉबेरी जूस ले सकते हैं। क्रीम की एक लेयर लगाएंगे, फिर से केक का एक पीस रखेंगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। लास्ट में हम इसको फाइनल लेयर से कवर कर देंगे और थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे। अब हम केक की क्रम कोटिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि केक को हमें बाहर से पूरी तरह से अभी कवर करना है। अब मैंने यहाँ पे ये व्हिपिंग क्रीम ली है जिसमें हम ब्राउन जेल कलर मिलाएंगे। अगर आपके पास जेल कलर नहीं है तो आप ब्राउन लिक्विड कलर भी मिला सकते हैं। अभी इसमें परफेक्ट ब्राउन कलर नहीं आया है तो मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर इसमें और ऐड कर रही हूँ। जितनी ज़रूरत आपको लगती है उस हिसाब से आप इसमें कलर ऐड कर लें। ये ब्राउन कलर बन के तैयार है। इसी तरह से हम सभी कलर्स ऐड कर लेंगे जो जो कलर हमें अपने बुके में चाहिए। अब मैंने यहाँ पे ये स्टार नोजल लिया है और हम इससे फैंस बनाएंगे कुछ इस तरह से।
अब हम रशियन नोज़ल यूज़ करेंगे जहाँ मैंने फ्लावर टिप्स यूज़ किए हैं और इस तरह से कलरफुल फ्लावर्स बना देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको लगता है कि फ्लावर्स ठीक से नहीं बन रहे हैं तो आप टिश्यू पेपर की हेल्प से पहले नोज़ल को क्लीन कर लें और उसके बाद फ्लावर्स बनाएं। नोज़ल पे इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए आपको फ्लावर्स बनाने हैं। अब हम लीव्स बना देंगे। इसे कट करके भी देख लेंगे। दोनों ही केक बनके रेडी हैं, तो इन दोनों ही रेसिपी को इस न्यू ईयर पे आप अपने घर पे एक बार ट्राई करें और आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे वो आप मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।